15 अप्रैल साल 1912 में टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की थी। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने के लगभग 2 घंटे बाद ही यह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक पर उस समय लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण दुर्घटना में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। जब जहाज डूबा, उस वक्त जहाज पर केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौकाएं थीं। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्नों पर यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। साल 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व कैट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलिशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया।